ASN24 पल पल की खबर। पठिया पाली के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोग प्रेत आत्मा से इस कदर भयभीत तो हो गए हैं कि जब उनके कुछ साथी उटपटांग हरकत करने लगे तो अन्य मजदूरों ने प्रेत आत्मा का साया समझकर उन्हें पेशाब तक पिला दिया। साथ ही लोगों ने जांच में हो रही देरी को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। कटला ब्लॉक के पठिया पाली हाई स्कूल में क्वारंटाइन लोगों को शैतान का भय सता रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि ये मजदूर कह रहे हैं। स्कूल परिसर के अंदर दिखाई दे रहे मजदूर बता रहे हैं कि इनको स्कूल के अंदर प्रेत आत्मा का साया नजर आता है। कुछ साथी की उटपटांग हरकत देखकर अन्य लोगों के मन में भी डर समा गया है। मजदूर बताते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत आत्मा का साया था उसको भगाने के लिए लोगों ने युवक को पेशाब तक पिला दिया। ऐसे अमानवीय कृत्य से लोगों के बीच अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हो रही है। भूत के डर से लोग रज्जगा करने को मजबूर हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि 14 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आने से लोगों के मन में संक्रमण का डर घर कर गया है। सेंटर प्रभारी व गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझाया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आप सभी निश्चित होकर सेंटर में रहें। सरपंच श्यामलाल कंवर ने बताया कि अब तक पठिया पाली में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ही प्रवासी मजदूर है। उनका कहना है कि गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, इसके बावजूद ग्रामीण नियमों की अनदेखी कर मनमानी करते हुए अन्य गाँव में आना जाना कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इसके लिए शासन प्रशासन से सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि मजदूर प्रेत आत्मा की बात कहते हुए सेंटर बदलने की मांग कर रहे हैं। मोना सुखलाल मन्नेवार ग्राम नवा पर समस्या है, कहाँ के क्वारंटाइन सेंटर है? यहाँ पठिया पाली के क्वारंटाइन सेंटर में है हम सर। क्या समस्या है बता पूरा? समस्या हमको कल रात में बहुत मसान का शिकायत मिला था। कल 2-3 जने को पकड़ लिया था। क्या पकड़ लिया? वही प्रेत शैतान। तो हम कल रात भर सो नहीं पाए थे। कैसा हुआ था, क्या हो रहा था? मतलब एक महिला को और एक बच्चे को और एक हमारे जैसे जवान को प्रेत आके पकड़ लिया था। वो बहुत छटपटा रहे थे, इसे जब उसको हम पेशाब करके पिलाए और उसको नहलाए ऐसे चिड़के तो फिर भगा। कौन कौन था ड्यूटी में? यहाँ कोई आपके ड्यूटी में? अब कल का हम चौकीदार का नाम नहीं मालूम सर हमको। किसको बताया फिर आप, क्या किया? हम चौकीदार को बताए यहाँ। क्या चौकीदार फिर यहाँ दिन भर बैठे रहा चौकीदार भी यहाँ का। एक मिनट सर शांत रहिए। रात में चौकीदार रहा, वो भी गेट के सामने दिन भर रात भर पूरे बैठे रहा हमारे साथ। वो भी देखते रहा हमारे चिल्लाहट को चौकीदार जो है। क्या बोला फिर चौकीदार ने? बोला कि सुबह हम बोलेंगे आयकर अधिकारी को, उसको बोलेंगे, ऐसे बोला था। फिर किसको बताया? फिर हम सरपंच जी को बुलाए। तो सरपंच जी बुलाया कि हम सीओ को फ़ोन किए हैं, आएगा तो बोलना, जैसे आप बोलना चाहते हैं वैसे करके बोला हमको। कौन कौन आया अभी तक देखने के लिए आप लोग को? हमको देखने के लिए अब तो ऐसे लगभग सचिव सरपंच को पहचाने हैं मगर सचिव को नहीं पहचाने। क्या लगता है सही सच में भूत होता है? क्या लगता है आप? हम तो समझ रहे थे कि प्रेत आया था रात में पूरा, बिल्कुल हमको सता रहा था सभी जने को। 50-60 जने हैं मगर कोई लोग सो नहीं पाए प्रेत से। उमेश कुमार मन्नेवार नावापारा का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ यूपी गए थे काम करने के लिए, हम वहाँ से आए यहाँ कोटा ट्रेन में हैं अभी पठिया पाली में। पर सरकार से थोड़ा शिकायत है हमें, जैसे कोरोना मिल रहा है पॉजिटिव उन लोगों को लेते और तुरंत डॉक्टर भेजते, हमें भी कुछ नहीं होता तुरंत, तो 5 दिन रुक रहा है वैसे में और फैल जा रहा है, इसीलिए हमें सरकार से शिकायत है थोड़ी। और किस तरह की समस्या है यहाँ प्रेत की बात आ रही थी? हाँ वैसी तो है, प्रेत की बात तो है सभी लोग। क्या हुआ था? सब लोग सो नहीं पाए थे इसलिए प्रेत की शिकायत से। क्या हुआ था बताओ ना, पूरा घटना बताओ। हम बता तो रहे हैं। पूरा घटना क्या हुआ था रात में, क्या हुआ, कैसे डरे आप लोग? बच्चा था उसको पूरा ले लिया था, लदक लिया था। मैं जीपी शर्मा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठिया पाली यही पदस्थ हूँ मैं। किस तरह की बातें कह रहे हैं ये जो क्वारंटाइन सेंटर, क्या बातें आ रही हैं, क्या परेशानी? हाँ उन लोग भयभीत है, मतलब एक 2 जने को पॉजिटिव आ गए ना कोरोना से संबंधित,
तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी मत हो जाए, और एक जने के छाती दर्द हो रहा था उसी के कारण ना, सब जने सोचे कि इनको प्रेत बाधा हो गया है, इसी को कुछ पकड़ पकड़ लिए हैं कह के। और ऐसे कुछ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत वाली बात है जो है एक अंधविश्वास टाइप का है। बाद में लाइट वाइट यहाँ सामने में लगा दिए तो सब ठीक ठाक रहा। आज का रात तो बहुत अच्छे इन लोग बिताए, बहुत अच्छा रहा, और इसके पहले भी ठीक थे। एक ही दिन परेशान हुए, उसी दिन जिस दिन एक जने व्यक्ति जो है वही पॉजिटिव हो गया ना, तो उसको थोड़ा उसका शारीरिक रूप से कष्ट था, उनको तकलीफ हो गया था और वो चिल्ला रहा था। तो इनको समझ में ये आ रहा है कि मतलब कि कोई कुछ दबा रहा है, भागने की कोशिश में। हाँ, इसी के आधार पे वो लोग ना पूरे जितने भी यहाँ पर करीब 62 जने थे उस समय, सभी भागने के प्रयास करने लग गए। तो हम लोग फिर थाना में सूचित किए, थाना से TI साहब भी आए थे और आ करके फिर समझाए इन लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मत जाइए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा गया है, ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो खुद ही जाने के लिए पड़ते थे। हाँ, अभी भी कह रहे हैं इन लोग कि मतलब यहाँ डर लगता है कि यहाँ प्रेत आता है कह के, कई जने रात भर चिल्लाते रहते हैं कि प्रेत है ऐसा कह के। और वैसे तो यहाँ कई जने हमारे शिक्षक स्टाफ भी रहते हैं कोई बीच बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं आया था। बाकी अब ये इन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा तो मैं नहीं जान सकता भाई। इस तरह का तेल साबुन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो पंचायत की ओर से वैसे ये सब चीज़ की व्यवस्था किया गया है, सबको पहले किस्त में भी दे चुके हैं, दूसरे बार भी दिए हैं इन लोगों को साबुन और सोडा जो भी मतलब इनका सर्फ वर्फ दिए थे सफाई उफाई करने के लिए। इनको कहा भी जाता है कि आप साफ़ सुथरा रखो, हाथ उत को दिन भर सफाई करते रहो साबुन से, सैनिटाइज भी दिया गया है इन लोगों को, और सफाई के बारे में बार बार बोला भी जाता है, डिस्टेंसिंग बनाने के लिए भी बोला जाता है कि आप लोग ठीक से रहना करके। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी शिकायत वाली बात कि यहाँ कौन सा क्वारंटाइन है और क्या व्यवस्था चल रही है? ये क्वारंटाइन पठियापाली पंचायत में है, हाई स्कूल में हैं रखे हैं क्वारंटाइन सेंटर। तो यहाँ पॉजिटिव चार स्कूल में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ 4 पॉजिटिव मिला है, और बस्ती से हमारे जो ग्राम पंचायत पठियापाली है वहाँ से 1 पॉजिटिव पहले मिला था, और उनको अस्पताल ले गए, और उनके जो घर वाले हैं उनको पठियापाली के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ लाए थे। तो उनमें से उनका जो 4 जने को क्वारंटाइन सेंटर में लाए थे, तो वहाँ उनकी जो पहले पॉजिटिव मिला था उनका माँ और उनकी बहन को यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव मिला, और उनके साथी को भी पॉजिटिव पाया गया, और एक प्रवासी को भी पॉजिटिव पाया गया। कुल मिलाकर के क्वारंटाइन सेंटर से 4 पॉजिटिव मिला है। क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं इन लोग, क्या भागना चाहते हैं? तो इन लोग जो प्रवासी मजदूर हैं वे इसलिए भागना चाहते थे कि जो गांव से पॉजिटिव मिला है उनके संपर्क में हम लोग भी ना आ जाएं। हम लोग बाहर से आए हैं तो हम लोग सभी लोग स्वस्थ थे, और हम लोगों को एक साथ जो पॉजिटिव मिला था उनके जो परिवार वाले हैं वो भी यही हैं, तो हम लोग को भी ना हो जाए इसलिए वे लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। बीती रात क्या घटना घटी थी? अभी जो पॉजिटिव मिला उसके कुछ रात में वो उन लोग बोल रहे थे कि यहाँ बहुत ही जो भूत प्रेत का साया हम लोगों पर पड़ रहा है, हम लोग यहाँ रहने योग्य नहीं हैं, हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। इसलिए उन लोग यहाँ से हल्ला बोल रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं? हमें प्रशासन से यही व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा के लिए कुछ प्रशासन यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था करे ताकि हमको भी कोई प्रकार से समस्या ना हो। लोग मान रहे हैं नियम को यहाँ क्वारंटाइन जो गांव के लोग हैं? जो गांव के लोग हैं अभी जो नियम को नहीं मान रहे हैं। हम लोग पटवार के द्वारा बुनियादी भी कराया गया, और वहाँ के लोग इधर उधर आसपास के गाँव में घूम रहे हैं।
KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष तिवान की रिपोर्ट।